क्या लिखा है हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि पत्र क्रमांक सातवां
ગુણોની વ્યાખ્યામાં આપણે જોયું કે જે દ્રવ્યની સંપૂર્ણ અવસ્થામાં રહે છે તેને ગુણ કહે છે. અભી ઉન્હોને પહેલા પોર્શન નિકાલ દિયા. ક્યું નિકાલા? અભી નયા ટાપિક જો હમે કરના હૈ, શુરુ કરના હૈ, ઉસકે લિયે ઉન્હે સંપૂર્ણ ભાગ કી બાત યહાં નહીં બતાઈ ગઈ. ઇતના હી બતાયે કે જો અવસ્થા, ક્યા કહા? જે દ્રવ્યની સંપૂર્ણ અવસ્થામાં રહે છે, તો યે અવસ્થા જો હોતી હૈ ઉસી કો યહાં કહેતે હૈ કે પર્યાય. અવસ્થા કહો, હાલત કહો, પર્યાય કહો, સબકા અર્થ એક હી હૈ. ઓર ભી ઉસકે દૂસરે અર્થ નિકલેંગે જો હમ દેખેંગે કે આ અવસ્થા એટલે પર્યાય. પર્યાયને અવસ્થા, દશા, હાલત, અર્થ, પરિણામ, પરિણમન એવા પણ નામો છે. યહાં તો કુછ બતાએ હૈ ઓર કિસી કો પર્યાય કી અપેક્ષા સે નામ માલૂમ હૈ જો આપને અભ્યાસ કિયા હૈ. યહાં તક બતાઉંગા કે સમય સાર મેં લિખા હૈ. હા, કોણ બોલ રહે સર? મેરો મેં સે આવાજ આઈ મેરે ખ્યાલ સે? નહીં નહીં, આપકા સમય સાર કા અભ્યાસ નહીં હૈ. દેખો મેં બતાતા હું, પ્રાપ્ય, વિકાર્ય ઓર નિવૃત્ય, યે તીન નામ પર્યાય કી અપેક્ષા સે દિયે ગયે. ક્યોંકિ હમકો બતાયા આપ બહોત મામૂલી સી બાત બતાતે હો, કુછ ગહેરી બાત બતાઓ. તો ગહેરી બાત બતા, હમ તો કે હમ તો હુકમ કે તાબેદાર હૈ, જૈસે આપ નચાઓ વૈસા હમ નાચે, ઉસમે ક્યા બડી બાત હૈ? તો ક્યા બાત હુઈ? યે જો અભી એક્ચુઅલી ઉસકી પરિભાષા કો ભી દેખેંગે. દેખો ક્યા કહેતે હૈ, પેજ નંબર 50 સેકન્ડ લાઇન. ये जो हमने पर्याय ने अवस्था, दशा, हालत, अर्थ, परिणाम, परिणमन, ये अर्थ जो है ना, ये द्रव्य को भी अर्थ कहने का प्रघात है, लेकिन यह पर्याय को अर्थ कहा है, ये विशेष रूप से है. परिणमन एवा पर नामो छे, अभी व्याख्या बताते हैं. ये गुजराती में लिखा हुआ है. क्या कहते हैं? गुणना विशेष कार्य ने, विशेष कार्य ने उनका अर्थ क्या बताया? परिणमन ने पर्याय कहे छे. थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं. प्रत्येक गुण प्रत्येक समय परिणमित थतो होय छे, एटले तेनी नवी नवी अवस्था थती होय छे. जूनी अवस्था जई नवी अवस्था आवती होय छे. जूनी अभी बाकी की बात हम बाद में देखेंगे. यहाँ पर एक बात निश्चित होती है, अभी मैं हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि गुणों के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं. और एक बात हमने ये भी देखी थी, यह जो पर्याय है या अवस्था है, ये प्रत्येक द्रव्य की अवस्था हर समय नई 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 होती है और उसको ही कार्य कहा गया है. मेरा एक मामूली सा प्रश्न है, इस विश्व में एक समय में कितने कार्य होते हैं? आप बताएंगे साहब, इस विश्व में एक समय में कितने कार्य होते हैं? अनंत. बहुत अच्छा. क्यों अनंत? अरे भाई साहब, द्रव्य ही हमारे पास अनंत है और प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, तो अनंत इंटू अनंत, और उसकी प्रत्येक समय में अवस्था बदलती है, उसको यहाँ कार्य कहा गया है. हालत कही गई है, पर्याय कहा गया. पर्याय कहो या कार्य कहो, वो होवे ऐसी सहज विश्व व्यवस्था है. क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी द्रव्य के किसी भी गुण की पर्याय कोई अन्य करे ऐसी बात ही नहीं होती है. इसको हम देखते हैं, यहाँ पर चार्ट है हमारे सामने. मैं चार्ट बोलता हूँ, आप समझ लेना, और फिर आपसे कहूँगा कि आप लगाओ उसमें द्रव्य, गुण और पर्याय. तो शरद भाई बोलते हैं, मुझे पहले नंबर देना सर. अवश्य देंगे भैया. क्या कह रहे हैं? देखो, अभी यहाँ दो बातें लिखी, एक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ऐसे ऊपर लिखा है, और साइड में द्रव्य, गुण और पर्याय. तो अभी हम जीव द्रव्य की बात करेंगे, आसान है क्योंकि अपना ही गुणगान होने वाला है.
अपना ही वर्णन चलने वाला है, तो क्या कहते हैं कि जीव द्रव्य, उसका द्रव्य जीव द्रव्य है बरोबर, और उसका क्षेत्र असंख्यात प्रदेश ही है, उसका काल अनादि अनंत है, और जीव द्रव्य का भाव जिसमें ज्ञान दर्शन आदि गुण है कि हमने द्रव्य को चार मतलब चतुष्टय में बांटा। अब वो कहते हैं कि जीव द्रव्य का कोई गुण आपको याद है साहब? हाँ बोलो बोलो। ज्ञान, ज्ञान होता, ज्ञान आसान है इसलिए मैंने ज्ञान को लिया। तो ज्ञान का जो गुण है वह ज्ञान का गुण उसका द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। आसान है, उसमें क्या होते हैं? और उसका क्षेत्र कितना बड़ा है? हाँ शरद भाई आप कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्षेत्र 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 पूछ रहे, काल नहीं पूछ रहे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आप उत्तर तो सही दे रहे हैं, उसमें दो राय है नहीं, पर हमें कंफर्म होना चाहिए क्योंकि हमने याद किया है 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ऐसा, तो बचपन में याद किया था उसका अर्थ कुछ नहीं समझते थे। जैसे हम बड़े हो गए, पैसे की लेन देन चालू हो गए, तो फिर 2 10 तक सब याद हो जाता है। वैसे आपने उत्तर सही दिया, उसका कारण क्या है? अरे हमेशा वो रवा को याद करना, जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ा उसका गुण, जितना बड़ा गुड़ उतनी बड़ी उसकी मिठास। ये बहुत मामूली घरगुती बातें हैं, अपने रोजाना रोजमर्रा जिंदगी में हम याद रखते हैं। तो क्या कहा और क्या कह रहे हैं, हमने क्या देखा था कि जितना बड़ा द्रव्य है उतना बड़ा उसका गुण है, इसलिए जीव द्रव्य का जो क्षेत्र होगा वही ज्ञान गुण का क्षेत्र है। ये बात पक्की हो गई। अब कहते काल कितना है, ये ज्ञान गुण का काल कितना है? हाँ बहन आप बताएंगे, आपको पूछ रहा हूँ। आप कंटाल गई है ना, तो आपका कंटाला निकालने के लिए मैं नहीं, फिर तो आप जरूर उत्तर देंगे, कंटाला नहीं है तो। हाँ 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 बोलो, कहाँ बोलो? अनादि अनंत केम केम, उसका उत्तर में आना चाहिए। वो तो आपने अनादि अनंत का एक्सप्लेनेशन किया, मेरा ये प्रश्न है कि उसका काल अनादि अनंत है ये हमने कैसा नक्की किया, क्योंकि हमें हर बात को कंफर्म करते करते आगे बढ़ना है, सिर्फ इसने सिखाया और हमने सीखा ऐसी बात नहीं। कौन सा? हाँ ज्ञान गुण जीव का है, काल काल पूछ रहे हैं, जीव अनादि अनंत रहने वाला है ना, तो इसलिए उसका गुण भी अनंत, ये काल है ना वो भी अनादि अनंत। सुनो सुनो देखो, अभी आपको इस तरह से समझाना है कि आप यहाँ क्या कह रहे, काल का अर्थ क्या है? अवस्था। तो जीव कब से है? तो कहते हैं अनादि काल से, तो उसका गुण जो है वह जीव गुण भी कैसा रहेगा? अनादि का होगा, क्योंकि जीव का और गुण का यानी द्रव्य का और गुण का नित्य तादाद में संबंध है। ऐसा अनेक अन्य मान्यताओं में ऐसी बात होती है कि पहले आत्मा कुछ जानता नहीं था, ज्ञान उसको आके चिपक गया तो जानना चालू हो गया। क्या ऐसा है? तो वो जो ज्ञान है ना ये दीवार को चिपक जाए आके, समवाय संबंध का, तो वो भी जानना चालू करेगा। ऐसा नहीं है, ज्ञान गुण और जीव द्रव्य इन दोनों का नित्य तादात्म्य संबंध है। जब से जीव अस्तित्व में है तब से उसका ज्ञान गुण भी अस्तित्व में है, ये बात पक्की हो गई। और फिर ज्ञान गुण का जो भाव है वो अभी हम उसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब हम ज्ञान गुण की जो पर्याय है वो कौन सी होनी चाहिए, ज्ञान गुण की पर्याय आप उत्तर देना चाहते हैं? देना चाहिए, ऐसा नहीं नहीं बोलने से थोड़ी चलेगा। आपको सिद्धावस्था प्राप्त करनी है क्या नहीं, अनंत सुख की प्राप्ति करनी है क्या नहीं, क्यों परमिशन लेनी पड़ती है क्या किसकी? हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं करनी है तो ठीक है, आप मत उत्तर देना।
हाँ, कौन बताएगा? केवल ज्ञान, बहुत बढ़िया। और अन्य पर्याय मालूम है ज्ञान गुण की? बता रहे आप, बता रहे बोलो। ज्ञान गुण की पर्याय आपने केवल ज्ञान बताया, और कोई पर्याय आपको याद है? आपको बताना है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये हमको रोज हम बोलते हैं, लेकिन प्रश्न पूछे तो क्या बोलते हैं? ध्रुजे मानस ध्रुजे सारा मटे ध्रुजो। हाँ, यहाँ देखो हम तो ऐसा ही बोलते हैं, कोई अगर गलत उत्तर देगा तो उसको हम फांसी नहीं देते, और कोई सही उत्तर देगा तो उसको एक पैसा भी बख्शिश नहीं देते। क्यों भैया? ये मेरे लिए, ये जो हम सीख रहे हैं वो आपके लिए नहीं। ये मैंने आज तक कम से कम 150-200 बार तो सिद्धांत प्रवेशिका सिखाई है, वो मेरे लिए, मैं अधिक कंफर्म होता हूँ। और आपने कहीं सामने से सवाल पूछा तो डगमगा रहा हूँ। क्यों? हम कंफर्म है किसमें? जिनेंद्र भगवान की बातों पर। तो हमने क्या देखा? आपने केवल ज्ञान बताया, तो केवल ज्ञान का द्रव्य कौन सा है आप ही बताएंगे? जीव द्रव्य। उसका क्षेत्र कितना बड़ा होगा? जीव द्रव्य का जितना क्षेत्र है कितना कितना वो बताना है? असंख्यात प्रदेश। असंख्यात प्रदेश, बहुत सुंदर, कितना सही जवाब दिया। हमारी तरफ से एक पैसा लागू उधार। अच्छा, उसका काल, ये केवल ज्ञान जो है ना वो पर्याय है। सादी अनंत। सादी अनंत, क्या ये सही है? केवल सादी शुरुआत हुई ना, तो सादी और बाद में अनंत काल तक रहे। हाँ, वो तो आप प्रवाह की अपेक्षा से बता रहे हैं, लेकिन केवल ज्ञान भी हर समय बदलता है, तो एक समय ही उसकी उसका काल है। आप जो जैसा आपने बताया ना, क्या बताया अभी इन्होंने पहले बताया था आपको, साबरमती के किनारे हम गए घूमते घूमते और देखा तो ओ हो इतना पानी का फ्लो चल रहा है, गप्पे मारते बैठे हम 10 मिनट में देखा तो क्या हुआ, वैसा का वैसा पानी। तो क्या वही का वही पानी था? वैसे केवल ज्ञान जो आप सादी अनंत काल कहते हैं वो प्रवाह की अपेक्षा से है। देखो, मोक्ष भी एक समय का है, संसार भी एक समय का है, क्योंकि ये सारी अवस्थाएं हैं। ख्याल में आया? तो हमने क्या देखा, तो ये जो हमने द्रव्य गुण पर्याय में इनको विभाजित किया, तो देखो क्या हो रहा है, जीव द्रव्य ज्ञान गुण और उसकी केवल ज्ञान पर्याय, इन तीनों का द्रव्य एक ही है, इन तीनों का क्षेत्र एक ही है, और तीनों का काल। अरे तेरा यहाँ कोई बोल रहे, बोलने दो, आप बोल रहे। अच्छा साहब, बोलो। तो पर्याय है वो एक समय। बहुत बढ़िया, आपने क्या बताया, देखो द्रव्य और गुण तो अनादि अनंत है, लेकिन पर्याय क्या है? एक समय पूर्ति है, क्योंकि पर्याय होती है इसका ही अर्थ वहाँ कार्य होता है। किसने बताया? थोड़े हमारे परिभाषा ने बताया, गुणों के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं, परिणमन को। तो हमने ये भी देखा कि विश्व में एट अ टाइम कितने कार्य चलते हैं, तो कहते हैं अनंत चलते हैं। तो ये कार्य होने में किसी की मदद की आवश्यकता है क्या नहीं, ये हमें नक्की करना है। अच्छा, आप बोल रहे, सॉरी, किसी अन्य द्रव्य की मदद की जो फिर भी काम होता है, कार्य होता है। बहुत अच्छा आपने बताया, वो जो कार्य हो रहा है किसमें, हर द्रव्य के हर गुण में कार्य हो रहा है, कब? एक समय में। तो उसके लिए परद्रव्य की आवश्यकता है क्या?
कम से कम निमित्त की तो होनी चाहिए ना। देखो विश्व में इतनी अनंत स्वतंत्रता का उद्घोष कर रहे हैं जिनेंद्र परमात्मा, और हमको उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि हम इतने पंगु हो गए हैं कि हमें कोई जब तक मदद नहीं करता, जब तक हमको खाना नहीं खिलाता, हमारा खाना नहीं जाएगा, हमारा कार्य नहीं होगा, ऐसा हम मानते हैं। एक भाई साहब दोपहर में हमारी किनसे बात हुई, मैं भूल गया, वो कहे तुम निमित्त को मानते ही नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है, हम तो निमित्त को 100% मार्क देते हैं और उपादान को भी 100% मार्क देते हैं, काहे को झगड़ा पड़ाते हैं। मांडवली करो ना, निमित्त 50% और तुम्हारा उपादान 50%, झगड़ा नहीं करने का। आपको समाज में एक दूसरे से लड़ना नहीं है तो फिर वो सत्य बात की जो होनी है सो तो होने दो, अभी झगड़ा तो हम कम कराएं। अरे भैया तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है ना, तो सत्य बात जब तक नहीं समझोगे तो मांडवली करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ देखो प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक समय में नया नया कार्य हो रहा है। देखो यहाँ पर नीचे लिखा है, देखो क्या कहते हैं, जो कारण है कौन कारण है, तो कहते हैं गुण। कार्य क्या है तो उसकी अवस्था, क्या बताया, कार्य कारण जहाँ जहाँ होगा वहाँ कार्य होगा ही होगा, जहाँ जहाँ गुण है वहाँ वहाँ पर्याय होगी ही होगी, जहाँ जहाँ सामान्य है तो सामान्य में से विशेष की उत्पत्ति होगी। कभी भी विशेष सामान्य बिना हो नहीं सकता, क्यों, जिस द्रव्य में पूरा द्रव्य सामान्य है तो उसका विशेष गुण भी उसी द्रव्य में है, और गुण का विशेष जो नई पर्याय है वह भी उसी का, तीनों का द्रव्य एक है, तीनों का क्षेत्र एक है। तो मेरा ये प्रश्न है कि हमें सम्यक दर्शन करना है, हमें यानी अपने सबको, ऐसा ना समझ रहे हम दोनों को, तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसमें देवगुरु शास्त्र से सम्यक दर्शन हो, कुदेव गुरु कुशास्त्र से सम्यक दर्शन होगा कि नहीं, क्या कहते भाई साहब आप, नहीं, सच्चे देवगुरु शास्त्र से तो होगा कि नहीं, किरण भाई क्या कहना है आपका, हैं होगा, बहुत अच्छा, देखो कितना कन्फर्मली बोलते हैं, ऐसा सभी को कन्फर्म होना चाहिए, ये ना 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 कहते, ये हाँ कहते हैं, तो आपको क्या कहना है, जगर हमको जो सम्यक दर्शन है वो पहले में पहले ये तो नक्की करो कि वह द्रव्य है गुण है या पर्याय है। हाँ भाई साहब किरण भाई, सम्यक दर्शन जो है वह द्रव्य है गुण है या पर्याय है, पर्याय है, तो पर्याय का सामान्य कौन है जिसमें से पर, क्योंकि हमने देखा था जहाँ जहाँ सामान्य है वहाँ वहाँ विशेष होगा ही होगा, सामान्य विशेष के बिना नहीं होता और विशेष सामान्य के बिना नहीं होता, तो जो सम्यक दर्शन यह जो अवस्था है विशेष है तो उसका सामान्य कौन है, बोलो भाई, आपने एक स्टेप आगे बोली, श्रद्धा गुण, तो श्रद्धा गुण कहाँ है, तो कहते जीव द्रव्य में है, तो जिसको सम्यक दर्शन करना है तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा, अरे अपने स्वभाव में गुप्त हो जा, सम्यक दर्शन हाथ जोड़ के खड़ा होगा, लेकिन हमें उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं कि हमें जब विशेष दिख रहा है तो उसका सामान्य कौन सा है, इसको हम पहले नक्की करें, ये तो सिर्फ पर्याय की परिभाषा को हम देख लें। कोई बोले, अभी मैं नाम तो नहीं जानता, साहेब मेरे को बोले, मैं बोला क्या क्या साहेब, मैं तो थोड़े आपका फरमान हमारा हृदय में क्या बोले चोट मारे छे, क्या क्या मालूम क्या होता है। हम दुबई गए थे भाई साहब, वहाँ एक ऐसी छोटी लड़की थी जिसकी शादी हो के एक दो साल हो गए होंगे, बोलते अंकल यू आर ड्रिलिंग द तत्वाज इन आवर माइंड, बोलते ड्रिलिंग क्या
ये मेरी कोई बात नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की बात सिर्फ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आजे मानो काले मानो आ मान्या वगर छुटको नथी। हम तो ये देख रहे हैं कि हमको जब तक कोई आके धक्का नहीं मारता है, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, हमारी गाड़ियां कार आज की नहीं पहले की, धक्का स्टार्ट होती थी, धक्का स्टार्ट समझते हैं उसको, धक्का मारे बगैर कि नहीं तो हैंडल मारे बगैर चलती नहीं थी, आजकल तो सेल्फ स्टार्ट हो गया, जाने दो उसको। वैसे हम भी जब तक हमें कोई तो मदद नहीं करता है तब तक हमारा कार्य नहीं होगा, ऐसा हमने मान रखा है। यहाँ तो जिनेंद्र परमात्मा फरमाते हैं कि प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय में पर्याय होती है। तो निमित्त से कार्य होगा कि नहीं? निमित्त होता है पर कार्य में कुछ नहीं करता। एक कार्य होता है, कौन सा? कोई भाई कहती है यानी कोई स्त्री कहती है कि मैं रोटी बनाती हूँ, तो देखो कितनी फर्स्ट क्लास बनी है, गोल गोल एक के ऊपर एक रखो तो एकदम बिल्कुल ऐसा वर्तुल हो जाएगा, ऐसा लाइक क्या बोलते हैं उसको, हाँ सिलेंडर का तेल जो, हाँ तो पर वो क्या है इसमें, वो एक काला क्यों हो गया? तुम बनाती हो ना तो काला क्यों हो गया, इधर जला क्यों? अरे वो तो स्टोव में गैस जाती रहा था इसलिए ये हो गया। इधर कच्चा क्यों रहा? अरे मेरा ध्यान नहीं था। अरे जो रोटी का उस रूप परिणमन होना है सो हुआ है। अब एक रोटी बनने में कितने निमित्त लगते हैं? आटा तो चाहिए चाहिए, क्योंकि आटे बिना रोटी बनती नहीं है, तो आटा इट्सेल्फ उपादान कारण है, वह आटा रोटी रूप परिणाम है। लेकिन हम अहंकारी जीव कर्ता बुद्धि वाले जीव मानते हैं कि मैंने ये रोटी बनाई है। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, फिर हम रोटी पर आएंगे, क्योंकि शाम का टाइम है ना, रोटी के बारे में बोलना अच्छा नहीं। हमें ये तो कहाँ गए हमारे जयंती भाई, अपना नेमा का बात सीखवा दियो हमने, वो हमारे यहाँ रात को आते थे 8:30 बजे, कभी 10 बजे तक, कभी 10:30 बजे तक सिखाते थे। हाँ हम उनको घर में लेने के लिए जाते थे, उनको लेके दुकान बंद करके भाई सब भाई हमारे साथ रहते थे, सबको लेके जाते थे। हमारे घर में कम से कम 20-25 लोग तो हम बैठते थे, तो हमारी भाभी भी आती थी वहाँ, तो उसको लगा के अरे पंडित जी आए हैं, तो उसको अपने बेटे की जरा करामत तो सिखाए। तो वो लड़का जो होता था वो तबला बजाता था, वो उसमें क्या कौन सा वो हाजी गोल्ड मेडलिस्ट लेकिन वो इसके क्या ये क्या जो कुछ होगा, वो जो तबले बजाने वाले की पूरे हिंदुस्तान की परीक्षा ली जाती है उसमें उसको गोल्ड मेडल मिला था। तो उसको लगा कि मेरे बच्चे की जरा तारीफ तो करें ये पंडित, ले गए तो उसको बिठाया, चलो बैठो खाओ। तो उसने क्या किया कि वो नीचे वो ऐसा गोल गोल कुछ होता है तबले के नीचे कुशन, वो रखा, फिर उसको तिरछा बनाया, फिर पाउडर लिया उसको ये किया, ऐसा किया, हाथ में हथौड़ा लिया, ठक ठक टुक टुक टोंग 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 सब कुछ किया। तो बोले फिर बजाए 10 मिनट, वो तो उसको पंडित जी को कुछ मालूम ही नहीं क्या होता है तबला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे को ये समझाओ कि तुमने हाथ को पाउडर क्यों लगाया? अगर अरे साहब पाउडर नहीं लगा तो हाथ घूमता नहीं था, यानी आपके ये बजाने में पाउडर कार्यकारी है ना, तो उसको वो हथौड़ा से ठोका क्यों इधर उधर टूं 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 टूं, अरे उसके बिना ट्यूनिंग नहीं होता है। तो वो हथौड़ा भी आधा काम कर गया, फिर वो नीचे उसी का रखा था क्या बोलते हैं कुशन, वो ऐसा क्यों रखा नीचे जमीन पे रख के बजाओ ना। बोले नहीं 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 उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी ये, यानी वो कुशन भी तेरे तबले बजाने में मदद। तो तेरा कार्य कितना रहा, इसके 5%, उसके 10%, इसको 25%, 10-5 का निमित्त रहे, तो तूने क्या किया? वैसे ये कोई स्त्री रोटी बनाती है ऐसा अभिमान करती है, घबराना मत,
पुरुष जीव भी ऐसा ही मानता है कि मैं पैसा कमाता हूँ। पैसा कौन सा द्रव्य? ऐसा हाँ जी पर द्रव्य, द्रव्य कौन सा? उद्गल द्रव्य है। तो यह जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य का काम करता होगा कि नहीं? तो फिर क्या बात कर रहे हैं? अरे हम दिन भर मेहनत करते हैं तो जेब में पैसा आता है, मालूम है? अरे भैया वो जो जेब में पैसा आता है वो उद्गल द्रव्य में भी, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, क्रियावती शक्ति नाम का एक गुण है। वह क्रियावती शक्ति नाम का गुण जीव द्रव्य में भी है और उद्गल द्रव्य में भी है। ये क्रियावती शक्ति का कार्य क्या होता है? स्थिति रूप या गति रूप, यानी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना। तो वो जो पैसे वहाँ से मेरे जेब में जो आए वो अपने क्रियावती शक्ति से आए, तो नहीं क्या किया उसको? अरे यार हमारी सब मेहनत तुमने पानी में डाल दी, पानी नहीं है। ये हमें बराबर जो वस्तु स्वरूप है उसका हमें ज्ञान होता है, और जब वस्तु स्वरूप होता है तो क्या हम धंधा नहीं करें, चुपचाप बैठे? अरे वो कहाँ आपको बताया जा रहा, आप कुछ भी कंफ्यूजन निकालते हो। पैसा कमाओ लेकिन वो पैसा तुम्हारे पूर्व भव के पुण्य के उदय से आ रहा है, निमित्त आता है। ख्याल में यहाँ देखो, निमित्त तो काम करता है ना? नहीं, ये कथन पद्धति है। ख्याल में आया? और हम तो मानते हैं कि हम दिन भर मेहनत करते हैं इसलिए पैसा आया है, तो कहते हैं बिल्कुल ऐसा मत समझना। वैसे ये बाई रोटी बनाती है तो उसमें अग्नि है, तवा है, वेलन है, पाटला है, क्या क्या है, तो वो सारे निमित्त हाजिर हो तो रोटी बनती है। यानी एक कार्य हुआ ऐसा हम मानते हैं, लेकिन वो कार्य होने में असंख्यात समय जाते हैं। हमने एक माना कि एक रोटी हुई। देखो जब वस्तु स्वरूप हमारे ज्ञान का विषय होता है तो हमारी जो अहम बुद्धि है, अहम यानी अहंकार बुद्धि है, पर का मैं कर्तृत्व करता हूँ, पर का मैं करता हूँ, ऐसी जो मान्यता इस जीव की अनादि से चल रही है, उस मिथ्या मान्यता पर प्रहार होता है। कह रहे हैं प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक गुण में अपना अपना समय समय में कार्य हो, ऐसी वस्तु स्थिति है। ये कहाँ लिखा है साहब? आप कुछ भी बोलते तो हम माने। आपने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा, तत्वार सूत्र के पांचवे अधिकार में 38 नंबर का सूत्र है। कौन सा है? गुण पर्याय व द्रव्यम, यानी गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ तो आपने बताया गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, अभी कहते हैं कि पर्याय गुण के समूह को द्रव्य कहते हैं, ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों? तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अभी हमको ना द्रव्य का पता है, ना गुण का पता है और पर्याय का पता है, इसलिए पहले में बताया गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हम तो बाल बुद्धि वाले हैं ना, तो छोटी छोटी बातों से हम आगे बढ़ेंगे। तो एकदम फिर उस समय भी पर्याय की बात बताते, गुण को समझाते समझाते पर्याय को कहाँ समझाएंगे, इसलिए पहले गुण की बात करी। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, अभी कहते हैं गुण और पर्याय इनके समूह को। तो गुण कितने हैं हमने देखे थे? अनंत। और पर्याय कितनी है? हाँ जी क्वांटिटी अनंत है ना, हमने देखा था। देखो फिर से याद कराते हैं आपको, एक द्रव्य में गुण अनंत है और अनंत गुण जो है उस अनंत गुण की एक एक समय में एक पर्याय होती है। तो एक गुण की तीन काल की पर्याय अनंत है, तो अनंत गुणों की तीन काल की पर्याय उससे भी अनंत है। तो ये निरंतर कार्य होता है, इसलिए आचार्यों ने बताया है कि उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत। ये सत यानी क्या है? सत द्रव्य लक्षणम, यानी द्रव्य का लक्षण क्या है? तो कहते सत है। सत यानी क्या? सत्ता स्वरूप है। तो सत्ता कैसी है कि निरंतर कायम रहते हुए निरंतर बदलना, इसका है द्रव्य का स्वभाव है। ये कौन से द्रव्य की बात चल रही है? अरे ठहरो, लोगों को बोलने दो।
ये क्या होता है आपको मैं बताना चाहता हूँ, नाराज नहीं हो तो बताओ, नहीं बताओ क्या नहीं बताओ। वो जो रास्ते पे फूगा बेचने को आता है, वैसा हमने भी क्या किया, यहाँ आके बलून को हवा भरने लगे, इतनी हवा भरी, इतनी हवा भरी, इतनी हवा भरी कि अभी सबको लगता है कि अभी फूटेगा, अभी फूटेगा, तो इतने में आपने आके टाचनी लगाई। भाई साहब, हम जानते हैं किसको पूछना किसको नहीं पूछना, तो आप मेहरबानी करके शांति रखो। आपको चाहिए तो हाथ उठाओ, हम जरूर पूछेंगे, लेकिन ये बीच में आप बोल देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, लोग सोचना बंद करते हैं। मेरी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम सबके बुर्जे में ऑयलिंग करते थे कि सोचने को लालायित करते कि सोचो भैया सोचो, और जब तक हम सोचते नहीं हैं तब तक कोई हमारा निर्णय सच्चा नहीं होता, और सच्चा निर्णय होगा तो ही ये बात हमने बचाई, ये बात निश्चित होती है। तो क्या हुआ, कहते हैं कि द्रव्य का लक्षण क्या है, तो कहते हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, यानी जिसमें हर समय नए पर्याय का उत्पाद होता है उसी समय में पूर्व पर्याय का व्यय होता है, और द्रव्य कायम टिकता है। तो कायम टिकते हुए कायम बदलना, ये द्रव्य का स्वभाव है। अब जो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव से परिणमन करता है, तो उसको दूसरा आके कोई परिणमन करावे, उसमें मदद करावे, हेल्प करावे, धक्का मारे, सहकार करे, ये बात कहाँ से है। देखो ये जो निमित्त संबंधी बात अभी चल रही है, उसमें कभी ऐसा होता है कि निमित्त बदल जाता है तो सामने वाला जीव स्वभाव की ओर चला जाता है। तो जैसे मारिच का जीव था उस समय आदिनाथ भगवान और समोसरनाथ कई निमित्त थे, पर वे उस समय उस निमित्त अपनी जगह है, पर वे अपने स्वभाव की ओर स्वयं न जा सके, परंतु जब वे सिंह की पर्याय में थे अब निमित्त बदल गया, दो मुनि महाराज हो गए, तो उस समय वे अपने स्वभाव की ओर चले गए। तो इसमें निमित्त बदला है और वे स्वभाव की ओर चले गए, तो इसमें और दूसरा कोई कारण है? तत्समय की योग्यता, पर आदिनाथ उनको निमित्त थे ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व होने में आदिनाथ निमित्त हो सकेंगे क्या? यानी अभी भी हमारा निमित्त से कार्य होता है ये मान्यता को हम छोड़ने को तैयार नहीं है। एक बात बता, तो आपने पूछा तो, एक बेलगांव नाम गांव का है, बेलगांव, वहाँ एक भाई साहब रहते थे और वो पूरे बेलगांव में बहुत फेमस थे। क्यों? कि वो स्वामी जी के फॉलोअर थे, स्वामी जी ने कांजी स्वामी, तो क्या उन्होंने बताया, निमित्त से कार्य नहीं होता है, तो उन्होंने एकदम निश्चित किया निमित्त से कार्य नहीं होता है। वो बीमार पड़े तो उनको सबने बताया, भैया तुम गोली तो खाओ, हाँ तुम ठीक हो जाओगे, बोले निमित्त से कार्य नहीं होता है। तो उनका मानना सही है क्या नहीं, क्या कहती मैं ना? हाँ हाँ, आप हाँ बोलते हैं, आप हाँ बोलते हैं, सही है, वही तो, यानी उनका मानना सही है। क्या सही है? निमित्त से कार्य नहीं होता, क्या होता है ऐसा मानना? उनका मतलब दवाई खाई तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसी तो मान्यता वो गलत है, ऐसा मानना। वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने दवाई खाने को मनाई की, यानी निमित्त से कार्य होता है ये नक्की किया, नहीं समझा? देखो बात ऐसी होती है, दवाई खाने से जिसकी प्रकृति कह दे या हालत जिसका स्वास्थ्य ठीक होता है, तो क्या दवाई से ठीक होता है? ख्याल में? तो दवाई तो वहाँ जब वो स्वास्थ्य ठीक होगा तो उसको निमित्त कहलाएगी, लेकिन ऐसा भी हमने देखा है दवाई खाते खाते भी कई लोग नाम नाम सच है, तो क्या दवाई खा के मरे क्या? वो जो मरे वो अपने स्वयं की योग्यता से मरे, दवाई से नहीं। और यहाँ जो वो ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, वो दवाई के कारण नहीं,
लेकिन उन्होंने ये नक्की किया कि दवाई नहीं लूँगा, क्योंकि वो निमित्त है और निमित्त से कार्य नहीं होता, इसलिए नहीं भी लूँगा तो चलेगा। तो उनकी मान्यता में निमित्त से ही कार्य होता है, ऐसा माना उन्होंने। ये डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, नहीं समझ में आया। जब कोई दवा यानी मेडिसिन खाता है, बीमारी के लिए हम कोई मेडिसिन खा लिए और हमारा बुखार उतर गया, तो वहाँ कैसा क्या होना, यानी बुखार क्यों उतर गया, शरीर की गर्म अवस्था नॉर्मल हुई, वो शरीर के उपादान से हुई, उस समय निमित्त रूप से वो दवाई वहाँ है, उसके होते हुए निमित्त के कारण नहीं हुआ, निमित्त के रहते हुए निमित्त से कार्य नहीं होता, ये बात नक्की करनी है। साहिब जी ऐसा कहते हैं, तो निमित्त को उड़ा दिया। साहिब जी ऐसा कहते हैं, जैसे आपने अपने कमजोरी ऐसे कोई लेता है, पर ऐसे जो अपना उपादान, जैसे जिस समय अपने जो कार्य होना होता है, जैसे कभी दवाई लेते हैं पर ठीक नहीं होते हैं। नहीं नहीं, उसकी बात नहीं, लेने नहीं की बात नहीं, मान्यता की बात है। हमें क्या नक्की करना है कि प्रत्येक कार्य में निमित्त होता है ना। अभी हमने कुमार का उदाहरण लिया था, घड़ा बनता है, किससे बनता है, तो मिट्टी स्वयं परिणमित हुई, वहाँ कुमार की उपस्थिति है, परंतु कुमार ने घड़ा नहीं बनाया, निमित्त ने कार्य में कुछ नहीं, क्योंकि कुमार घड़े रूप परिणमित नहीं हुआ है, तो वो कुमार का कार्य नहीं। निमित्त होता है पर निमित्त के होते हुए निमित्त से कार्य नहीं होता, ये नक्की करना है। जैसे हमने नक्की किया भाई रोटी नहीं बनाती, तो हमने डिक्लेयर कर दिया कल अंकल से हम रोटी नहीं बनाएंगे, तो हमने निमित्त को माना कि नहीं माना। अरे हमने सिद्धांत को नहीं माना है, क्योंकि हमारी कर्ता बुद्धि थी, मैं बनाती थी, और हमने क्या कहा, हाँ अभी नहीं बनाएंगे, यानी अभी हम बना सकते पर हम नहीं बनाएंगे, समझ में है ना। ये मान्यता का निषेध है, ये कर्ता बुद्धि है, उसमें यानी निमित्त से ही होता है, ये मान्यता कायम रखी, पर अब नहीं बनाएंगे इस तरह से, तो दवाई से शरीर ठीक नहीं होता, अभी हम दवाई नहीं खाएंगे, यानी मान्यता तो वैसे ही रही, केवल प्रवृत्ति बदल गई, ये कहना चाहिए। बात ऐसी है कि ये थोड़ा सा डीपर पॉइंट है, लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं होता है तो हमारी गड़बड़ी मान्यताओं में चल रही है। यहाँ तो हम देख रहे हैं प्रत्येक समय में प्रत्येक गुण का एक एक कार्य हो रहा है, तो उसको एक अनंत कार्य हो रहे हैं एक समय में, तो कितने निमित्त लगेंगे। एक कुमार घड़ा बनाता है तो चाक चाहिए, वो क्या क्या सब लगता है ना, डोरी चाहिए, फलादार वो डंडा चाहिए, घुमाने को, यानी एक कार्य होने में कम से कम चार पांच निमित्त लगते हैं, तो अनंत कार्य होने में क्या क्या लगेगा और उसको कौन कहाँ से सप्लाई करेगा। यानी मान लो कि एक कार्य हो रहा है, उसमें निमित्त भी कार्य रूप परिणमा है कि उसके कार्य होने में, तो उस निमित्त को भी और एक निमित्त चाहिए, नहीं तो वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वयं का कार्य कर रहा है, अपने निज उपादान से, निज शक्ति से वो कार्य हो रहा है, तब क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनादिकाल से अस्तित्व में है और प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक उनकी पर्याय निरंतर चालू है, दोनों पर्याय जब एक दूसरे को अनुरूप होगी तब उस पर आरोप आएगा कि इसके कारण से ये बात हुई। ख्याल में निमित्त नैमित्तिक संबंध कह सकते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध कह सकते हैं, नैमित्तिक में कार्य होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध कह सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक होना है, स्वास्थ्य ठीक हुआ तो उसका निमित्त। देखो हम फिर से बताते हैं कि कार्य होता है अपने निज उपादान से, लेकिन वो कार्य होने में अन्य द्रव्य भी वहाँ परिणमित हो रहा है, और ये जो आप निमित्त नैमित्तिक जो बता रहे हैं वो संबंध एक समय पुरता है। कहेंगे कि ये द्रव्य उसमें निमित्त था, वो तो बहुत स्थूल कथन है,
लेकिन कार्य होता है एक समय में, तो उसका निमित्त अनादि से चलेगा थोड़ी, उसका भी कार्य जो हो रहा है उसके द्रव्य में वह भी एक समय का है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय पूर्ता रहता है। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, प्रत्येक कार्य जो होता है वो अपने निज उपादान से हो रहा है, उस समय अनुकूल लगने वाले जो कोई बाह्य द्रव्य है उनकी पर्याय है उसको निमित्त कहने में आता है। लेकिन जब दो द्रव्यों में भिन्नता है, दो द्रव्यों का स्वचतुष्ट जुदा जुदा है, तो एक ने दूसरे को कार्य होने में मदद की, ये बात कहाँ से है? ये निमित्त उपादान का यहाँ अभ्यास नहीं हुआ है ऐसा लगता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है, जब तक निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में अपनी क्लैरिटी नहीं है तो हमारा समझने में कोई ना कोई जिसको कहते खामी रह गई। एक थोड़ा छोटा प्रश्न है, जो घड़ा बनाने में कुम्भार निमित्त हुआ अनुकूल निमित्त, लोहार कभी भी नहीं हो सकता है निमित्त, ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या है लोहार और कुम्भार? तो ये वस्तु कुछ विशेष आई वहाँ पे? देखो बात ऐसे है, हम निमित्त किसको कहेंगे, जो अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। इसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था, ठीक है नहीं मुझे मालूम नहीं है, अभी फिर से रिपीट करेंगे। ये बताया जा रहा है कि जो कुम्हार है उसका बूढ़ा बाप भी बाजू खांसते बैठा है, उसका पोता भी इधर उधर खेल रहा है, उसका गधा भी वहाँ मौजूद है, लेकिन घड़ा बना उसमें अनुकूल होने का आरोप किस पर देंगे हम? जो उस कार्य में रूप मग्न हो गया है, कार्य कर रहा है ऐसा समझता है, वो अभी कर्ता बुद्धि से कर रहा है, वो तो पुद्गल को परिणमा नहीं सकता, फिर भी वो अनुकूल है, इसके लिए उसके ऊपर आरोप आएगा कि वह निमित्त है। अभी लोहार तो हो ही नहीं सकता है। और थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है तो एक कुमार था, क्या था कि गर्मी के दिन आने वाले थे इसलिए उसने बहुत सारे घड़े बनाने की कोशिश की, इतने में क्या हो गया कि उसको हार्ट अटैक आए जैसा हो गया। तो उसके चार बेटे थे, तो अभी बस करो अभी हम ऐसा बहुत बहुत हो गए, बोले नहीं 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 अभी इतना तो मैंने ऑर्डर लिए हैं तो मेरे को तो पूरा करना ही है। तो एक लड़का होशियार था, उसने दौड़ते दौड़ते जाके डॉक्टर को बुलाया, दूसरा लड़का होशियार था वो भी उसने दूसरे डॉक्टर को बुलाया, तीसरा लड़का और होशियार था उसने जाके वकील को बुलाया। क्यों? अभी बाकी की जो बातें हैं वो समझ लो, उनका बच्चे बाकी बोते थे पोतियाँ थी जो भी कुछ होता है। तो हम वो घड़ा बनने का जो कार्य हो रहा है वहाँ सब आ गए, डॉक्टर आए थे वकील आए सब आए, तो किसके ऊपर आरोप आएगा घड़ा बन रहा है? तो वहाँ जो बूढ़ा उसका बाप खांसते बैठा उसके ऊपर आएगा कि नहीं? वो बच्चे खेल रहे हैं इधर उधर, वहाँ उसका गधा भी खड़ा है और वो भी काम कर रहा है, तो वो अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। क्या है कि निमित्त किसे कहते हैं, ये निमित्त की परिभाषा अगर हम बाहर कर दे, कर लेना मैं अभी आपको बताऊंगा, कल हम बाप से पूछेंगे, जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कहते हैं। फिर से, जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसको निमित्त कहेंगे। ख्याल में सब सब कार्य में ऐसे ही होता है। यहाँ हम तो कहेंगे कि निमित्त 100 रूप से निमित्त ही है, निमित्त होता ही नहीं ऐसी बात ही नहीं है, निमित्त अवश्य होता है। जैसे मैंने आपको बताया, फिर से बाबा बात निकालू क्या नहीं निकालू? निमित्त
जो बताए निमित्त, कोई भी कार्य होता है जिसमें जो पांच कारण है वो होते ही है ना, वो पांच समवाय होते हैं। निमित्त तो होता है उसमें, तो जो निमित्त होना चाहिए उसके अनुकूल होगा उसी निमित्त से कार्य होगा। हाँ, लेकिन निमित्त कार्य में कुछ करता नहीं, ये बात पहले नक्की रखो। तो हाँ, देखो देखो, मैंने एक वाक्य आपको बताया था कि जो ऐसा मानता है कि निमित्त कार्य में मददगार है, निमित्त से कार्य होता है, उसका श्रद्धान खोटा, और जो निमित्त है नहीं बोलता है उसका ज्ञान खोटा। ये एक बस दो लाइन याद रखना तो सारी बात क्लियर हो जाती है। आप जो कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्य में निमित्त अवश्य होता ही है, लेकिन कार्य कुछ नहीं करता, वो कार्य में कुछ मदद नहीं करता, अनुकूल होता है। जैसे अभी आपने बताया था भाई साहब ने कि जब महावीर भगवान सिंह की पर्याय में थे तब उनके उपादान जागृत हुआ, कौन सा, सम्यक तो होने का उपादान जागृत हुआ, तो फिर निमित्त कहाँ ढूंढते बैठे, कोई है क्या निमित्त, कोई है क्या निमित्त। अरे निमित्त तो हाथ जोड़ के वो आकाश से आया, एक नहीं दो मुनिराज आए, सुनो तो सही, वो मुनिराजों ने उस सिंह को कौन सी भाषा में उपदेश दिया होगा, लेकिन हम उनको निमित्त कहेंगे ना, ख्याल गया। लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता है जब तक, अरे हमने तो समोसरण में अनंत बार उपस्थिति की है लेकिन हम वैसे के वैसे हैं, ख्याल गया। यहाँ उपादान ही जागरूक नहीं हो रहा है, उपादान की योग्यता, यानी जैसे उसको दूसरी भाषा में मैंने कहा था तत्समय की योग्यता, वो जब भी अभी व्यक्त नहीं हो रही है तो फिर कार्य क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि निमित्त होता है अवश्य, लेकिन निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता। देखो मैंने आपको बताया था जिनेंद्र भगवान की वाणी घिरती है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी निमित्त है, और कई जीव तो, अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, सम्यक्तों की प्राप्ति करते हैं, कई जीव तो पंचम गुणस्थान की प्राप्ति करते हैं, कई जीव तो मुनि अवस्था की प्राप्ति करते हैं, कई जीव तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। निमित्त एक और कार्य कितने हुए, समझ में आए। और कई तो वो तीर्थंकर को अभी उपदेश दे रहे हैं, और कई जीव तो मोक्ष भी पधारते हैं, वो स्वयं की अपनी तत्समय की योग्यता के अनुसार वहाँ कार्य हो रहा है, निमित्त एक। और हमारे तुम्हारे जैसे, तुम्हारे नहीं हमारे जैसे, वो समोचरण छोड़ के भाग जाते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो उसको भी वो निमित्त है, ख्याल में। हाँ, एक बात हमने बहुत बार सुनी है, निमित्त से कार्य नहीं होता और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता, दोनों बिल्कुल सही है। देखो अभी आपने दो बार बताया था कि जब जब कार्य होता है वहाँ दो कारण अवश्य होते हैं, एक उपादान कारण यानी निज शक्ति और दूसरा निमित्त कारण, लेकिन कार्य होता है वो उपादान से ही होता है, वहाँ निमित्त हाजिर अवश्य होता है लेकिन निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता। बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना अपना कार्य में उसका परिणमन अपने में हो रहा है, क्योंकि हमने देखा प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक परिणमन अपने द्रव्य में होता है, बाहर नहीं होता है, क्योंकि दोनों का यानी द्रव्य का, गुण का और पर्याय का, तीनों का द्रव्य एक है, क्षेत्र एक है, वो कभी अपनी पर्याय अपने क्षेत्र के छोड़कर बाहर नहीं जाएगी। इसलिए शास्त्र में कई जगह लिखा है कि सम्यक दर्शन सिर्फ जीव ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन यानी जो श्रद्धा गुण है वह अन्य किसी भी द्रव्य में है नहीं। तो सम्यक दर्शन का कार्य कहाँ होगा, तो कहते हैं सम्यक दर्शन का कार्य जीव द्रव्य में ही होगा। कब होगा,
कि उस जीव की जब सम्यक दर्शन होने की योग्यता होगी, उपादान जागृत होगा, तब उसको सम्यक तो होगा। अब उसमें निमित्त वेरिएबल अभी आपने सब बताया कि नरक में क्या है, देवगति में क्या है, मनुष्य में क्या है, तीरंचों को क्या है, हर एक के निमित्त अलग अलग होंगे, लेकिन एक निमित्त अवश्य होता है कि वहाँ जो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव है वो जो चारों गति में से कोई भी गति में होगा तो उसको निश्चित निमित्त जिसको कहेंगे, जिसको अंतरंग निमित्त कहते हैं, वह तो कर्मों का उपशम होगा। क्योंकि अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है तो पहले में पहले औपशमिक सम्यक्त्व की ही प्राप्ति करेगा। वो अनादिकालीन जो मिथ्या दृष्टि है वह जीव क्षायक्षमिक सम्यक्त्व बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकता, क्षायिक सम्यक्त्व जरा भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो उस समय निमित्त कौन है? तो अंतरंग निमित्त जो है वह तो कर्मों का उपशम। कौन से? सारे ज्ञानावरणी वगैरह नहीं भाई। ज्ञानावरण कर्म का उपशम हो जाए तो क्या होगा? शरद भाई ने उत्तर दिया, बोलो। अरे उसको केवल ज्ञान हो जाएगा और वो उपशमित होगी, फिर उदय में आया तो फिर वापस मति शुद्ध ज्ञानी होगा। यानी वहाँ जो उपशमित होते हैं वो दर्शन मोहनी कर्म और अधिक से अधिक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग जिसका अप्रशस्त उपशम होता है। ख्याल में? तो हर जीव के हर गति के अनुसार निमित्त अलग अलग होंगे, जिसको हम बहिरंग निमित्त कहते हैं, लेकिन सबको कर्मों का उपशम वह तो कहते हैं। कर्मों का उपशम यह अंतरंग निमित्त है। देखो ये निमित्त में भी बहुत सारे भेद है। एक होता है प्रेरक निमित्त, एक होता है उदासीन निमित्त, एक होता है अंतरंग निमित्त, एक होता है बहिरंग निमित्त। लेकिन अविनाभावी निमित्त मैंने आज तक नहीं सुना। भाई साहब बोल रहे थे, मैंने तो नहीं सुना है, ये मेरी खामी हो सकती है। ख्याल में? चलो साढ़े आठ, अरे वहाँ पर तीन जास्ती हो गए। बोलो 2400 भगवान की जय।